अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एलन विजिट का पार्ट टू। तो जी जनाब, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था, मैंने आपको एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क दिखाया था, और अब हम जा रहे थे ग्रीन मबसरा पार्क और जबल हफीद। जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन है यूएई का, और ये सब काफ़ी पुराना है और तकरीबन 1200 मीटर एंड 4000 फीट जो है वो अबव है सी लेवल से। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके। ये लीजिए, पार्क आ गया। ये पूरा जो है ये ग्रीन मबसरा पार्क है, और अब आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। कितना खूबसूरत ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ, और उसके साथ जो पहाड़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है लगता है उसका। तो यहाँ पे जो है वो बारबेक्यू का भी इंतज़ाम है। यहाँ पे छोटे छोटे से चूल्हे लगाए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद अब मैं आप लोगों को एक पहाड़ वहाँ पे बना हुआ था, पहले था तो वो कच्चा था, बट अब उन लोगों ने काफ़ी अच्छा उसको बना दिया, डेवलप कर दिया, ऊपर छोटा सा एक पॉइंट बना दिया है। तो चलें मैं आप लोगों को वहाँ लेके चलती हूँ, और ऊपर से जो है वो पूरे ग्रीन मबसरा पार्क का व्यू कराऊंगी। यहाँ पे बच्चों के लिए बम्पर बाउंसी और कुछ झूले भी लगे हुए हैं, तो चलें। और अब आप ये सामने देख रहे होंगे एक गेट सा बना हुआ है, ये गेट वही है जहाँ हमें ऊपर जाना है। यहाँ पे अब इन लोगों ने स्टेयर्स बना दी हैं, पहले ये सिर्फ कच्चा रास्ता था और इसी से हम लोग जो है उसके टॉप पर जाते थे। एक छोटी सी हिल बनी हुई है, बट अब इन लोगों ने इस हिल को इतना खूबसूरत बना दिया है। वहाँ पे एक ऊपर छोटा सा पॉइंट बना दिया है, वहाँ पे आप लोग जाके अपने पिक्चर्स ले सकते हैं, उस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, और वहाँ से सनसेट भी बहुत अच्छा लगता है। बट जब हम लोग ऊपर पहुँचे थे तो सन थोड़ा सा नीचे आ गया था, जिसकी वजह से हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर सके, लेकिन उसका व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जब हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचे तो तकरीबन उतरते उतरते हमें मग़रिब हो गई थी। वहाँ इतना पुरसकून था उस वक्त, वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस एक आध फैमिली ही थी, तो बड़ा मज़ा आया। और जो साइडों में अब बनाया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा व्यू। अब ये मैं आपको ऊपर टॉप से भी दिखाऊंगी इस हिल के। तो लेट्स सी, हम लोग चलते हैं यहाँ ऊपर, और आप देखें यहाँ कितनी स्मूथली इन्होंने स्टेयर्स बना दिए ताकि इजीली बंदा ऊपर चढ़ सके। पहले जब हम लोग आए थे, काफ़ी साल पहले आए थे, तो तब यहाँ पे ये नहीं थी, और हम लोग ऐसे ही उसको क्लाइंबिंग करते हुए चढ़े थे। यहाँ साइडों में इन्होंने एक छोटा सा पार्क भी बना दिया, मतलब ग्रीनरी कर दी है। तो चलें ऊपर का व्यू देखते हैं। लीजिए, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये फाउंटेन बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ बीच में, बड़ा खूबसूरत सा, बट ये भी उस वक्त ओपन नहीं था। और अब यहाँ से आप पूरे पार्क का व्यू देखिए। ये देखें कितनी हाइट पर है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और मैं इसका पूरा राउंड आप लोगों को दिखाती हूँ, ये पूरा राउंड मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ। और ये जो बैक साइड पे कोई जगह है, आई डोंट नो कि कौन सी, यहाँ हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी डेवलप कर रहे हैं ये लोग, रेस्टोरेंट वगैरह बना रहे हैं। तो यहाँ साइडों में भी इन्होंने जो है वो ग्रीनरी कर दी है। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकी थी, बट जितना भी किया वो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हम वापस जाने लगे थे, क्योंकि हमें जो जाना था जबल हफीद, तकरीबन मग़रिब का टाइम होने ही लगा था। अभी हल्की हल्की रोशनी थी, बिल्कुल ही सूरज जो है वो ग़ुरूब नहीं हुआ था, बट उसकी जो लाइटिंग थी ना जबल हफीद की, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वो जलना स्टार्ट हो गई थी। उसका व्यू भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये लाइटें ऑन हो गई थी, और जो सामने पहाड़ पे आपको लाइटिंग नज़र आ रही है, ये जबल हफीद की है। और मगरिब के बाद ये और ख़ूबसूरत लग रहा था व्यू। ये आप देखें मगरिब के बाद कितना खूबसूरत व्यू हो रहा है, और पूरे ही ग्रीन मबसरा पार्क का व्यू आप देखें एक दफ़ा फिर से कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये रात में भी। अब काफ़ी अच्छा इन लोगों ने इसको बना दिया है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। तो अब हम यहाँ से निकले थे जबल हफीद के लिए। जबल हफीद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाइट पर है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ जाने में टाइम लग जाते। पार्क से जो है ये दो गेट पड़ेंगे आपको, ये पार्क से एग्ज़िट का गेट है, राइट साइड से इस आएगा जब हम जाते हैं। और ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है, ये एंट्री का गेट है जबल हफीद पे के टॉप पे जाने के लिए।
टॉप पे जाने के लिए रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है, और ये राइट साइड पे आपको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नज़र आएगी, वो अक्सर बंद ही रहती है। ये देखिए ये राइट साइड पे है और बहुत बड़ी बनी हुई है। यहाँ से आपको जो है वो एक शेख का पैलेस भी नज़र आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अब हम यहाँ पार्किंग में पहुँच गए थे टॉप पर, यहाँ हम लोगों ने पार्किंग की। पार्किंग के बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ इसका व्यू। ये देखिए ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है उसके नीचे जो एक हट सा नज़र आ रहा है, ये एक रेस्टोरेंट था लेकिन अभी वो बंद है। और अब हम आगे चलते हैं इसके और मज़ीद खूबसूरत व्यू को देखने के लिए। ये मैं आपको पूरा पहले राउंड दिखा दूँ। ये जो आपको सामने एरो नज़र आ रहा है ये है शेख का पैलेस, लेकिन ये आई थिंक बंद है इसलिए लाइटिंग यहाँ की ऑफ है। अब आप देखिए यहाँ की मज़ीद खूबसूरती, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, दिन का भी किसका अलग ही मज़ा है। ये वही जगह है जहाँ हम लोग नीचे थे पार्क एरिया, और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये वो रोड है जहाँ से हम आए थे और जहाँ से हमें वापस जाना है, क्योंकि एक ही रोड बना हुआ है आने का और जाने का, पर ट्रैक्स इसके दो या तीन हैं आई थिंक, याद मुझे नहीं आ रहा। तो ये था हमारा एक छोटा सा ट्रिप, आई होप आप लोगों ने इसको इन्जॉय किया होगा। और अगर आप लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, या जो लोग UAE में अभी न्यू हैं, तो वो लोग यहाँ का ज़रूर विज़िट करें, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही यहाँ पे मज़ा आता है। इसका दिन का व्यू भी एक अलग ही मज़ेदार है, और रात का तो आपने देख ही लिया। अब हम वापस जाने लगे थे। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोग ईज़िली देख सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।